हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेकलेस सेट बनाएंगे। नेकलेस विथ इयररिंग्स। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड, एंकर का थ्रेड है ये नंबर 8। हमें चाहिए हुक 0.5 mm, सीजर, ग्लू। हमें चाहिए स्मॉल साइज के गोल्डन बीड्स, बिग साइज के गोल्डन बीट्स, हेड पिन। हमें चाहिए जंप रिंग, लॉक, नेकलेस के लिए लॉक। हमें चाहिए इस तरह के चेन। स्टूर, स्टॉपर, हमें चाहिए कटर, प्लायर, स्टार्च। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेकलेस के लिए पेंडेंट बनाएंगे। इस तरह से एक रिंग बनाएंगे। रिंग बन गई। अब हम चेन बनाएंगे, चेन 1। इस रिंग में हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे। थ्रेड को खींच के इसे टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 2 टाइम्स नीडल में थ्रेड को घुमाएंगे। सेम स्टिच में यहाँ ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 2 2 थ्रेड हम छोड़ेंगे यहाँ। सेम स्टिच में फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशे हमने बना लिए, 2 ट्रिपल क्रोशे। सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 3 ट्रिपल क्रोशे। सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 4 ट्रिपल क्रोशे। अब हम यहाँ चेन बनाएंगे, 3 चेन, 1 2 3। सेम स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। सेम स्टिच में 4 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह नीडल में 2 टाइम्स थ्रेड को घुमाएंगे, ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 1 ट्रिपल क्रोशे। टू ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे। अब हम यहाँ चेन बनाएंगे, 3 चेन, 1 2 3। सेम स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर से हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2
थ्री, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे। थ्रेड को यहाँ से कट कर लेंगे। थ्रेड को खींचेंगे थोड़ा इस तरह से, टाइट कर लेंगे इसे। देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट है ये। इस तरह से हमें बना लेना है पेंडेंट के लिए फ्लावर। पेंडेंट में हुक लगाने के लिए एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले एक रिंग बनाना है इस तरह से। चेन बनाएंगे। अब हम रिंग में बनाएंगे सिंगल क्रोशे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। थ्रेड को खींच के से टाइट करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे। थ्रेड को यहाँ से कट कर लेंगे। थ्रेड को खींच के से टाइट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सर्कल बनाना है हमें। फ्रेंड्स, अब हम इसमें स्टार्स लगाएंगे। बैक साइड में हमें स्टार्स अप्लाई करना है। लिक्विड रिवाइव है ये, इसे थोड़ा थिक लेना है। इसको हम इस तरह बैक साइड में अप्लाई करेंगे इस तरह से। अब इसे हम शेप देंगे। इस तरह एक बीड्स लेना है, नीडल में इस तरह डालेंगे इसे और बैक साइड से इस तरह से प्रेस करेंगे। फ्लावर का शेप देना है हमें, इस तरह से इसे प्रेस करेंगे। ऐसे प्रेस करना है। अब इसको यहाँ मिडिल में प्रेस करेंगे ऐसे। फिर से हम बैक साइड से प्रेस करेंगे। ऐसे फ्रेंड्स, अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड, इसमें एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह अंदर की ओर करेंगे थ्रेड को, इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम पिन लेंगे। इसमें बीड्स डालेंगे, स्मॉल साइज के एक बीड्स डालेंगे इसमें। तरह से अब इसको यहाँ इस तरह टू पेटल्स के बीच में इस तरह
रखेंगे, मिडिल में हमें रखना है ऐसे। एक्स्ट्रा है ये, इसे हम कट कर लेंगे यहाँ से, यहाँ हुक बनाएंगे, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। अब इसे यहाँ मोड़ लेंगे इस तरह से, हुक बनाना है हमें इस तरह से मोड़ के ऐसे। सर्कल में एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे हम यहाँ इस तरह से चिपका देंगे। इसके लिए ग्लू लेना है, यहाँ मिडिल में ग्लू लगाएंगे, इसको यहाँ इस तरह से चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे हम यहाँ से कट करेंगे। अब इस फ्लावर में ग्लू लगाएंगे, बैक साइड में यहाँ ग्लू लगा लेंगे। स्पिन को यहाँ इस तरह से रखना है हमें ऐसे। अब सर्कल को इसके ऊपर चिपका देंगे मिडिल में ऐसे। अब हम यहाँ मिडिल में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, फिर से हम स्मॉल साइज के बीट्स लेंगे, गोल्डन बीट्स, और इसको मिडिल में इस तरह से चिपका देंगे। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, नेकलेस के लिए हमें इस तरह के 5 पेंडेंट बनाना है जो हम पहले से बना लिए थे इस तरह। अब हम चेन लेंगे, आप अपने साइज के हिसाब से इसे ले सकते हैं। इसे हम डबल करेंगे इस तरह, यहाँ मिडिल है, यहाँ हम पेंडेंट लगाएंगे। इसके लिए हुक को खोलेंगे यहाँ ऐसे, और इसको यहाँ लगाएंगे। अब हम इसे बंद करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें लगा लेना है। नेक्स्ट इसको लेंगे, इसे भी हम खोलेंगे यहाँ से, हुक को थोड़ा सा खोलना है इस तरह से। चेन में गैप बनी हुई है, छोटी छोटी सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप हम छोड़ देंगे। यहाँ एक गैप में इसको लगाएंगे, 8 नंबर वाली गैप में हम इसे लगा देंगे, और इसको यहाँ से बंद करेंगे फिर से।
ऐसे लगाना है। नेक्स्ट और एक लेना है, इसे भी हम खोलेंगे। यहाँ से इसमें हमने पेंडेंट लगाए हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर वाली गैप में हम इसमें से लगा देंगे। इसको यहाँ से बंद करेंगे। राइट में हमने लगा दिए, लेफ्ट साइड में हमें इसी तरह लगाना है। इसको यहाँ से खोलेंगे फिर से। इधर से हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर वाली गैप में इसे हम लगाएंगे। को बंद करेंगे हम। फिर से हम अशोक को खोलेंगे यहाँ से और यहाँ से फिर से काउंट करेंगे जहाँ हमने लगाए। नेक्स्ट 7 1 2 3 4 5 6 7 7 स्किप करेंगे। 8 में हमें इसे लगाना है, लगा देंगे इस तरह। इसको यहाँ से बंद करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लगा लेना है। अब हम जंप रिंग लेंगे, इसे लगाएंगे चेन में। यहाँ इस तरह से लगा देंगे इसे। इसको भी खोलेंगे और चेन में इसे लगाएंगे ऐसे लगा लेना है। अब लॉक लगाएंगे, इसको खोलेंगे, इसे हम इसमें डालेंगे जंप रिंग में और इसको इस तरह से बंद करेंगे। इसे भी खोलेंगे, जंप रिंग को यहाँ डालेंगे, इसको यहाँ से बंद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेकलेस बन गई। अब हम इसके मैचिंग में इयररिंग्स भी बनाएंगे। फ्रेंड्स, इयररिंग्स के लिए हमें इस तरह के फ्लावर बना लेना है। स्टूड लगाएंगे, इसके लिए हमें स्मॉल साइज के सर्कल बनाना है। इस तरह एक रिंग बनाएंगे। रिंग बन गई। अब हम टू चेन बनाएंगे, 1 2। इस रिंग में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन यानी 1 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट 1 हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिए, 2 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट 3 हाफ डबल क्रोशे, 4 हाफ डबल क्रोशे, 5 हाफ डबल क्रोशे, 6 7
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अब थ्रेड को खींचके से टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच है ये, इसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से बना लेना है। नेक्स्ट बैक साइड में हम ग्लू लगाएंगे। इसको यहाँ चिपका देंगे। थ्रेड को बैक साइड में इस तरह से चिपका देना है। अब एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें फिर से हम ग्लू लगाएंगे। स्टूड लेना है, इसे हम मिडिल में इस तरह से डालेंगे। इसे इसको यहाँ चिपका देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चिपका देना है। अब नेक्स्ट यहाँ ग्लू लगाएंगे मिडिल में, बॉर्डर में ग्लू लगाएंगे इस तरह से, और फ्लावर के मिडिल में से हम चिपका देंगे। यहाँ इस तरह से चिपका देना है हमें। ऐसे नेक्स्ट यहाँ ग्लू लगाएंगे मिडिल में, स्मॉल साइज के बीट्स को यहाँ चिपका देंगे इसके ऊपर। मिडिल में इस तरह से लगा लेना है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राई हो चुकी है। इसी तरह हमें टू पीसेस इयररिंग्स बना लेना है और एक पीस हम इसी तरह बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे इयररिंग्स रेडी है। फ्रेंड्स, हमारे नेकलेस और इयररिंग्स दोनों रेडी हैं।